हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुल 50 एरर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ट्रिकी और इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार ही एग्ज़ाम में आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंसेंस फॉर इट्सेल्फ। अब देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे क्या, ये प्लोरल है। ठीक, प्लोरल है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्लोरल है, तो यहाँ पे वर्ब जो क्या हुआ, ये भी प्लोरल हुआ। तो ये प्लोरल हुआ, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा, ये भी क्या प्लोरल फॉर्म में होगा, तब यहाँ पे ये नहीं होगा बल्कि देम सेल्फ्स होगा। ठीक, देम सेल्फ्स होगा। ओके, तो पहला जो सेंटेंस था उसमें किस पार्ट में एरर था आपका, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में एरर था। ठीक, इट सेल्फ की जगह पे देम सेल्फ होगा। याद रखिएगा, बोर्ड नोट कर लीजिएगा, बोर्ड हो गया, कमिटी हो गया, ज्यूरी हो गया, ठीक, गवर्नमेंट हो गया। तो ऐसे जो वर्ड है ना, जिनके साथ आप क्या करेंगे, अगर मेंबर की तरह अगर ट्रीट करना होगा, अगर मेंबर की तरह यहाँ पे यूज़ करते, तब उनके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर इसको अगर हम कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करेंगे, तब सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो अगर सेंटेंस में बोर्ड, कमेटी, ज्यूरी आए, तो उसको अगर आप देख लीजिए, अगर प्लूरल फॉर्म में है, तो उसको सभी, चाहे वर्ब हो चाहे वो आपका प्रोनाउन हो, सभी को प्लूरल में रखना है। अगर वो सिंगुलर में हो, तो सभी को सिंगुलर में रखना है। चलिए, नेक्स्ट यह क्वेश्चन है कि यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे एरर है, यू एंड आई के हैव डन, ठीक है, यहाँ पे माई नहीं होगा। ठीक, माई की जगह पे यहाँ पे आवर होगा। ओके, यहाँ पे माई की जगह पे क्या होगा, आर होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर इस से आपको पहले ही पता है कि 231 रूल एक पता होगा, जिसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो कि आपका सेकंड पर्सन के अनुसार वहाँ पे वर्ब होता है। लेकिन अगर सिर्फ यू एंड आई रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड जो है यहाँ पे आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है, उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो है कि वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो जो यहाँ पे माई था, इसको हटा कर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको आर करना होगा। ठीक, क्योंकि देखिए, ये तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव में है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्या है भाई, ये आपका जो है आर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और माई भी आपका क्या था, माई भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव था, बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक, तो इसका प्लूरल फॉर्म हमें आर बनाना होगा। ठीक, ये सिंगुलर फॉर्म था, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो गया, यू एंड आई हैव डन। देखिए, यहाँ पे हैव भी आपका प्लूरल फॉर्म था, तो ये प्लूरल फॉर्म था, यहाँ भी प्लूरल फॉर्म था, तो इसलिए यहाँ पे माई को काट कर, यहाँ पे हटा कर हमको आर करना पड़ेगा, चूंकि ये भी प्लूरल फॉर्म में इसको बनाना होगा। माई यहाँ पे क्या है, सिंगुलर था। ठीक है, दोनों तो पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव ही था, नो डाउट कि दोनों अलग अलग चीज़ नहीं थे दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव, बट आपको सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे चीज़ बदलना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस दैन योर। ठीक, अब यहाँ पे किस पार्ट में गलती होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस पार्ट में गलती है, योर वाले पार्ट में गलती है, ये नहीं होगा बल्कि यहाँ पे योर्स होगा। क्यों, अब यहाँ पे जानेगा क्यों। देखिए, योर के बाद जो है ना आपका, योर तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नो डाउट, यहाँ पे योर जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, योर क्या आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या है, एडजेक्टिव है, क्लियर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन ध्यान रखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, इसके बाद क्या लगता है, इसके बाद नाउन लगता है ना, तब ये जाकर सही होता है, लेकिन योर के बाद कोई नाउन है नहीं। ठीक, लेकिन अगर बात करें पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना, योर्स यहाँ पे लिखा गया, ये क्या आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव ये क्या भाई प्रोनाउन है ना, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आपका कोई भी यहाँ पे नाउन नहीं आता, इसके बाद नाउन जो है नहीं आता है, बट आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती था, फोर्थ वाले पार्ट में गलती था, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस दैन योर, नहीं बल्कि योर्स होता। ठीक, अगर योर होता तो ठीक है, उसके आगे कोई नाउन होना चाहिए था, बट यहाँ पे नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं है, ठीक है, इसके बाद नाउन नहीं है, तब योर नहीं होता बल्कि पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता। चलिए
नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर पे, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पे किस पार्ट में गलती होगा? ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन यहाँ पे सबसे पहले दिखा, तो ये वाला पार्ट आपका जो है गलत है। यहाँ पे क्या होगा, देयर के बदले हिज होगा। ठीक, क्यों होगा? देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ईच एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, एंड से क्या है यहाँ पे जो नाउन है एंड से जुड़े हैं, है ना। नाउन क्या है जो है कि किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं दो नाउन, और दो नाउन के आगे क्या है ईच और या एवरी का भी जो भी प्रयोग हो, ठीक है, ईच हो चाहे एवरी का प्रयोग हो, तब सब्जेक्ट को क्या हो? जो सब ये सब्जेक्ट जो है ना इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, आपको देखने से लगेगा कि ईच एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट से लगेगा कि दोनों अलग अलग चीज़ें, नहीं। जब याद रखें, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, यानी कि ईच और एवरी का प्रयोग हो, देखिए ईच और एवरी के वजह से यहाँ पे हमें सिंगुलर यूज़ करना पड़े, तब हम सब्जेक्ट को क्या मानेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को हम जो मानेंगे, ठीक है, वो क्या मानेंगे, ये सिंगुलर मानेंगे। अगर ये सिंगुलर है भैया तो ये अभी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। दियर क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, प्लूरल नहीं होगा। ठीक, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज, ठीक है, देखिए वैसे भी आप यहाँ से भी चेंज देख सकते हैं कि यहाँ पे हिज भी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो देखिए सभी जगह सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इज भी यहाँ आपका सिंगुलर है ना, तो सभी जगह सिंगुलर है, तो फिर आप यहाँ पे देयर क्यों करेंगे, बल्कि यहाँ पे देयर हटाकर यहाँ पे हिज करना होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। ठीक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, ठीक, एंड छूट गया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू द ज्वाइन द मीटिंग। यहाँ पे देखिए क्या गलती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हिज नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, बल्कि हिज के जगह पर क्या होगा, दियर होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम रूल था। अब देखिए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड, देखिए एंड से दो अलग अलग क्या है आपका यहाँ पे नाउन जुड़ा है, लेकिन उसके पहले ईच एंड एवरी नहीं लगा, बल्कि सिर्फ एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन है। ठीक है, जब दो नाउन है यहाँ पे और दोनों के पहले ये पे क्या है, आर्टिकल द लगा है ना, तो जब दो नाउन के पहले एंड से जुड़े हुए दो नाउन आर्टिकल उसके पहले लगा है, तो दो अलग अलग वस्तु का बोध कराता है, वो दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग पर्सन की बात कर रहा है। ठीक है, जब दो अलग अलग पर्सन की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हैव ऑलरेडी ठीक था कि ये प्लूरल था, जब ये प्लूरल है, यहाँ पे ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर क्यों होता है, हिज सिंगुलर नहीं था, बल्कि प्लूरल होता है दियर। ठीक, प्लूरल होता है दियर, ये सिंगुलर है, ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन दियर कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा, सी hates everybody and everything who reminds her of her mistakes. अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है ना, तब देखिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हटाना होगा। ठीक, आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु हटाना होगा, बल्कि यहाँ पे क्या करना होगा, विच करना होगा, विच लगाइए, या यहाँ पे आप दैट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए दैट जो होता है ना, हु जो होता है, जो क्या होता है, कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति के लिए होता है, ठीक, कोई व्यक्ति के लिए होता है, लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लेकिन विच क्या करते हैं हम लोग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक, तो और दैट जो होता है कि दोनों के लिए होता है भाई, दैट जो होता है क्या होता है, दोनों के लिए होता है, वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, तो विच जो होता है, हु होता है जो कि पर्सन के लिए होता है, और विच होता है कि छोटे वस्तु या मतलब वस्तु या छोटे एनिमल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब हु यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे विच होगा। सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग देखिए एवरीथिंग आया, जो कि यहाँ पे क्या है, वस्तु की बात हो रही है, और वस्तु के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। ठीक, हु का यूज़ नहीं करते हैं, हु जो होता है किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग विच रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स, इसके थर्ड पार्ट में, सॉरी सेकंड पार्ट में यहाँ पे एरर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैव बीन सॉरी हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल. अब सेवन नंबर में क्या यहाँ पे एरर होगा? तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे नन को यहाँ पे काटना होगा. क्यों? देखिए नन यहाँ पे नहीं होगा, गलती हुआ, क्योंकि नन को यहाँ पे मोर देन टू के लिए होता है ना, मोर देन टू के लिए होता है ठीक. लेकिन अगर हम बात करें नाइदर का, नाइदर की बात करें तो टू के लिए होता है, ओनली टू के लिए, दो चीज़ के लिए होता है, दो वस्तु के लिए, दो वस्तु पर्सन जो भी हो ठीक है. तो कहने का मतलब यहाँ देख लीजिए, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल, यहाँ पे टू प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे दो चीज़ के लिए हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ के लिए हुआ. दो के लिए मैंने क्या बताया कि नाइदर का यूज़ करते हैं, नन का नहीं, नन तो मोर देन टू, दो से अधिक के लिए होता है ठीक. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है ठीक. यहाँ पे नाइदर नाइदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल हैज़ विन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल. अब देखिए नाइदर हो, इच हो, एवरी हो, नाइदर हो, आइदर हो, समबडी नोबडी के साथ वैसे भी आप क्या होता है, यहाँ पे वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है. देखिए यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे हिज भी आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है ठीक है ना, यहाँ पे हिज भी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, है? अच्छा लुकिंग आफ्टर, देखिए लुकिंग आफ्टर से यहाँ पे लुक आफ्टर से क्या हुआ है, एक यहाँ पे फ्रेज भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है. तो देखिए सभी चीज़ का मिक्सर होता है, इंग्लिश ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो पार्ट ऑफ अ स्पीच का यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा संगम है, पूरा मिश्रण होता है. अगर पार्ट ऑफ अ स्पीच आपकी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको, आप हमेशा पास में 4 से 5 मार्क्स आपके पॉकेट में रहेंगे, ये बात मान के चले आप. क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 क्या, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग. अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, है ना, किस पार्ट में एरर है? तो 8 वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई एरर नहीं है. देखिए इच से शुरू होता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि इच से जो सेंटेंस शुरू होगा उसके साथ क्या होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, वो सही है ठीक. ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजडीज की बात यहाँ पे की गई है, तो देख लीजिए यहाँ पे ठीक है, सब सही है. क्लियर, तो यहाँ इस पार्ट में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है. और तो ध्यान रखिएगा ईच ऑफ के बाद, है ना, ईच ऑफ के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो है नॉन या प्रोनाउन की बात यहाँ पे की गई है, वो तो प्लूरल होता है ठीक है, ये प्लूरल था ये भी सही है. और वर्ब क्या होता है, वर्ब आपका सिंगुलर था, ये भी सही है. तो ईच ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल होगा, बट आपका वर्ब सिंगुलर होगा, और सारा यहाँ पे कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है, तो आपका ये नो एरर है ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर. नाइन्थ पार्ट में क्या गलती है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड आपको मैंने पहले वाले वीडियो में सिखा रखा था, अगर आपने उस वर्ड को, जैसे कि यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यूज ऑफ अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला वीडियो मेरा देखा होगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई होगी कहाँ पे एरर. तो देख लीजिए यहाँ प्रोस्टेट के बाद, प्रोस्टेट के बाद यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हिमसेल्फ होगा ठीक है, हिम सेल्फ होगा. क्लियर, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर ईयर. क्लियर, अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके जस्ट बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. तो कुछ वर्ड नोट कर लीजिए, प्रोस्टेट तो एक वर्ड आपको मिल गया जिसके बाद आपको लगाना ही लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चूँकि हिमसेल्फ क्यों है, यहाँ पे ही था, तो इसलिए यहाँ पे ही का हिमसेल्फ हुआ है. क्लियर, तो कुछ वर्ड नोट कर लीजिए आप लोग, जैसे कि एब्सेंट ठीक, पहले भी मैंने बताया वीडियो में, एब्सेंट हो गया, एन्जॉय हो गया, और प्रेजेंट हो गया, और लिख लीजिए आप लोग इंट्रोड्यूस लिख लीजिए ठीक. तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप नोट कर लीजिए, एब्सेंट हो गया, एन्जॉय हो गया, प्रेजेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, प्रोस्ट्रेटेड हो गया ठीक है, कन्फाइंड भी आप लिख सकते हैं, डिवोटी भी लिख सकते हैं, सैक्रिफाइस भी लिख सकते हैं. तो कुछ वर्ड मैंने आपको बता दिया, बाकी आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो काफ़ी सारे वर्ड हैं,
आप उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने पाँच चार पाँच वर्ड ही वर्ड बताया, तो इसके पहले वाले वीडियो यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत सारे वर्ड हैं जिनके जस्ट बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब है, उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसस देन यू हैव। अब यहाँ किस पार्ट में होती है, तो यहाँ पे देन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, द डॉग की बात हुई है यहाँ पे, द डॉग आई हैव बॉट, वह कुत्ता जिसे मैंने खरीदा है लुक्स मोर फेरोसस देन यू हैव, नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे यू हैव नहीं होगा, बल्कि देन के बाद यहाँ पे क्या लगाना होगा, द वन, सॉरी यहाँ पे यू हैव तो होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे देन के बाद, ठीक है, देन के बाद मीन्स कि देन के बाद क्या होगा, यहाँ पे द वन होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो द वन है किसके लिए आया, ये यहाँ पे इस डॉग के लिए यहाँ पे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे बात सबसे पहले यहाँ पे देन हुआ, देन कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो कोई दो डॉग होगा, ठीक है, एक यहाँ पे डॉग है, एक यहाँ पे डॉग है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, जब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो द डॉग की बात हो रही, तो उसी डॉग की बात हो रही ना, द डॉग आई हैव वॉट लुक मोर फिरोसस देन द वन, देन द वन यू हैव, जो तुम्हारे पास है, ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पे यू जो है यू हैव है ऑलरेडी, जो रहेगा ही रहेगा, क्लियर आए बात समझ में, यहाँ पे द डॉग आई हैव बॉट लुक लुक्स मोर फिरोसस देन द वन, ठीक है, यहाँ पे आज यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोनाउन का यहाँ पे जो यूज़ किया गया, देन के बाद यहाँ पे जो प्रोनाउन का द वन का यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक, क्योंकि उस दो कुत्ते के बीच, दो डॉग के बीच में जो कंपेरिजन हो रहा है, तो पहला डॉग ठीक है और ये सेकंड डॉग की बात हो रही है, द वन मीन्स की सेकंड वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस, किस पार्ट में एरर है, ही वॉज तो सही है, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन तक ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देन के बाद जो होगा ध्यान रखिए, देन के बाद जो क्या होगा, मी नहीं होगा, देन के बाद यहाँ पे आई होगा, ठीक, तो देखिए वैसे ध्यान रखिए, देन के बाद जो होगा, देन के बाद आपका क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस आता है, ठीक है, देन के बाद क्या होता है, नॉमिनेटिव केस आता है, तो नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन यूज़ होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस में आई होता है, वी होता है, नॉमिनेटिव केस में क्या क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, देन के बाद हमेशा हम लोग ये मी क्या है यहाँ पे, ठीक है, मी जो है ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस का है, तो ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, कि देन के बाद जो होगा नॉमिनेटिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर ड्रॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू इच अदर। देखिए यहाँ पे फिर से एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है, यहाँ पे एक फ्रेज का यूज़ किया गया, जहाँ पे झगड़ा विवाद है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है फाइव ब्रदर्स के बीच, तो यहाँ पे डैगर्स ड्रॉन का मतलब झगड़ा विवाद है ना, तो ठीक है, द फाइव ब्रदर्स, ठीक है, यहाँ पे ये प्लोरल है, ये भी आर यहाँ पे प्लोरल है, ओके ठीक है, एट डैगर ड्रॉन, जो कि यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब कोई प्रॉब्लम नहीं, सो दे फील, ठीक यहाँ पे, ठीक है, दे यहाँ पे प्लोरल, तो यहाँ पे भी ये प्लोरल है ना, उसके बाद यहाँ पे इट बिलो दियर डिग्निटी, अब यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहाँ पे मिस्टेक है ये देखना होगा, तो ठीक है यहाँ पे दे फील इट है ना, चूँकि फील इट क्या, किसकी फील की बात हो रही, झगड़ा की बात हो रही, तो उसके लिए यहाँ पे इट का यूज़ किया गया, बिलो दियर, चूँकि दियर भी यहाँ पे प्लोरल है, चूँकि यहाँ पे सभी चीज़ अभी तक प्लोरल होता आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी सब सही है, दे आर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, देखिए टू ईच अदर, ये जो पार्ट है ना ईच अदर, ये पार्ट यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा, बल्कि वन अनदर होगा, वन अनदर होगा, ठीक, तो देखिए ईच अदर जो होता है ना, ये टू के लिए होता है, दो चीज़ों के बीच में होता है, यहाँ पे मोर देन
टू, जब मोर देन टू का बात होता है, जब मोर देन टू के लिए यूज़ होता है, तब हम वन अनदर लगाते हैं, ईच अदर नहीं लगाते, वन अनदर लगाते हैं। ठीक, तो सेंटेंस को ऐसे समझना कि द फाइव ब्रदर्स प्लूरल है, आर प्लूरल है, अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है, डैगर डांस फ्रेज भी था ठीक है, सो दे फील इट भी सही था, बिलो दियर प्लूरल है ठीक है, सब कुछ सही है, डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, यहाँ पे गलती था, वन अनदर होता। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। 13 में कहाँ पे एरर है, साफ दिख रहा है, वन के लिए जो होता है यहाँ पे प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं वंस का यूज करते हैं, ना कि यहाँ पे हिज का यूज करते हैं। क्लियर, वन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, वंस। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसमें कुछ खास चेंजेस करने की बात नहीं है और यहाँ पे कुछ खास रूल्स है नहीं, बस आपको यहाँ पे इसी चीज़ को चेंज करना है। अब एक क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। अब इस सेंटेंस में देखना है कहाँ पे एरर है। तो ठीक है, इफ समवन हैज, चलो समवन के साथ सम, मैंने पहले बताया समवन हो नोबडी हो, तो उस यहाँ पे ये सिंगुलर है राइट, ये भी सिंगुलर है, ये भी राइट। फिनिश द वर्क, ठीक है, ही मे गो होम, तो ही मे गो होम ये भी सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो आपका क्या होता है, अगर वो पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में बात होता है, तो जो होता है जो मेन क्लॉज होता है ना वो क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट में होता है। तो ये तो प्रेजेंट में है, ये भी सही है, प्रेजेंट में है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये परफेक्ट में है, तो सही है। ठीक है, जब दो कंडीशनल, जब दो सेंटेंस, ठीक, एक कंडीशनल से जुड़ा है और दूसरा मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज आपका जो होगा, अगर कंडीशनल आपका जो है, कंडीशनल अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो आपका जो होगा मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, या फिर कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपका मेन क्लॉज, तो वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर, तो इसमें कोई रूल नहीं था, यहाँ पे नो एरर होगा, ठीक है, नो एरर, सब सही है। चलिए, ये वाले में क्या था, नो एरर। अब आते 15 नंबर क्वेश्चन पे, द क्रिमिनल विच वॉज चेंज ग्रम्बल एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टॉकिंग हिम टू जेल। अब यहाँ पे क्या गलती है, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे विच नहीं होगा, काट दो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विच के बदला यहाँ पे हु होगा। तो क्या मैंने बताया था, हु किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, है ना। यहाँ पे क्रिमिनल क्या है, ये पर्सन ही है, क्रिमिनल क्या पर्सन है, तो विच तो होगा नहीं, विच मैंने बताया था क्या, विच थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स या एनिमल के लिए, एनिमल जो कि स्मॉल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ना ये एनिमल है, ये क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल जो व्यक्ति है वो ना वस्तु है ना कोई जानवर है, यहाँ पे ये क्या व्यक्ति है, और हम पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो ठीक है, द क्रिमिनल हु वॉज चेंज गमल एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टॉकिंग टू जेल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एवरीबडी हु वॉज वॉकिंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty. 60 में क्या ऐसा एरर है, तो 16 में जो होगा आपका, ध्यान रखिएगा ये dear जो है ना ये यहाँ पे गलत है, चूँकि देखिए everybody, everybody क्या है यहाँ पे, जब everybody से कोई sentence start होता है तो ये already इसको क्या singular समझते हैं, तो singular समझते हैं everybody who was, देखिए यहाँ पे ये भी singular है, ठीक, सभी अभी तक singular ही जा रहा है, तो यहाँ पे दियर क्यों होगा, बल्कि यहाँ पे जो होगा हिज होगा। ठीक है, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डे पे एज हिज कंट्रीब्यूशंस टू डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। क्लियर, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 17 पे, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। तो 17 में क्या होगा यहाँ पे गलती, तो देखिए एबसेंट, एबसेंट के बाद मैंने क्या बताया था, एबसेंट के बाद जो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, तो ठीक है ना, एबसेंटेड के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही है, ये आपका एबसेंट है और इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही है, बट ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे एज वेल एज, ध्यान रखिएगा एज वेल एज के साथ अगर कोई सेंटेंस, कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होता है, एज वेल एज के साथ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होता है, तो पहले
पहले वाले के अनुसार वो भर का जो होता है डिसाइड करेगा। तो हम यहाँ पे द असिस्टेंट्स के अनुसार यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट्स करते तो ये क्या था, ये प्लूरल था, है ना, ये प्लूरल था, तो प्लूरल के अनुसार ये प्लूरल था, सही था, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें एज वेल एज के साथ देखना है ना, एज वेल एज के पहले क्या ऑफिसर क्या, ये सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो ये भी देमसेल भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे देमसेल भी क्या प्लूरल है, यहाँ पे हमको सिंगुलर बनाना होगा। तो द ऑफिसर यहाँ पे सिंगुलर है, तो देमसेल की जगह पे क्या करना होगा, यहाँ पे हिमसेल्फ करना होगा, हमें हिम सेल्फ करना होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सही है, ठीक, नोट कर लीजिएगा और इससे समझ लीजिएगा कि कुछ वर्ड मैंने आपको बताया था, एबसेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, कन्फाइन, डिबोटी, सेक्रीफाइस, इनके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। अब यहाँ पे एबसेंट के बाद देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, बट ध्यान रखिए एज वेल एज के साथ मैंने बताया था कि जब दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट होगा तो पहले वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब डिफाइन करेगा। तो पहला यहाँ पे द ऑफिसर क्या सिंगुलर है, तो देमसेल्फ क्या होगा यहाँ पे, नहीं होगा बल्कि हिमसेल्फ होगा, ठीक। आते क्वेश्चन नंबर 18 में, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर दैन हिम। तो अभी मैंने बताया था 18 वाले क्वेश्चन में कि दैन के बाद हिम नहीं होगा बल्कि दैन के बाद क्या होगा, ही होगा, क्योंकि दैन के बाद मैंने क्या बताया था कि नॉमिनेटिव केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है ना, अगर दैन के बाद नॉमिनेटिव केस आता तो हिम तो होगा नहीं, हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो होगा नहीं बल्कि यहाँ पे ही होगा, ठीक। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर दैन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। 19 में क्या होगा, देखिए मैंने अभी बताया था इंट्रोड्यूस्ड, अभी एक फिर से वर्ड आ गया, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि एबसेंट हो गया, इंजॉय हो गया, जैसे कि एबसेंट, इंजॉय, इंट्रो, ड्यूस, और क्या था भाई, नोट कर लीजिएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद कन्फाइन हो गया, डिवोटी हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। तो कहने का मतलब, ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब कि इनके बाद क्या आएगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, है ना, इनके बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो इंट्रोड्यूस के बाद जो होगा क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस के साथ यहाँ पे हिमसेल्फ होगा, चूंकि ही है तो यहाँ पे हिम सेल्फ होगा, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, जैसे एब्सेंट के साथ होगा भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंजॉय के साथ होगा, इंट्रोड्यूस के साथ होगा, प्रेजेंट के साथ होगा, कन्फाइन के साथ होगा, ठीक, डिवोट के साथ होगा, सेक्रीफाइस के साथ होगा, तो इन सभी के साथ क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 20 में, 20 में क्या, द प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। 20 में क्या होगा एरर, 20 में जो एरर होगा यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा, नो एरर, वजह क्यों, देखिए द प्लेयर्स हैं, ओके, ठीक है, यहाँ पे हुम वी हैव, यहाँ पे देख लीजिए ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के लिए यहाँ पे नाउन ऑलरेडी है, ठीक है, द प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशस, क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 20 में। तो देखिए हुम के बदले जो होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे हु और हुम का यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक, हु जो है क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है और हमेशा एक वर्ब लेता है, हु क्या लेता है, एक हमेशा वर्ब लेता है, बट हुम की बात करें तो इसके साथ कोई वर्ब नहीं आता है ना, इसके साथ हुम के साथ कोई वर्ब नहीं आता है, तो द प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया, देखिए तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसे सेंटेंस में अगर आपको हुम का, अगर हु का यहाँ पे अगर रिलेशन हो तो ध्यान रखिएगा, जितना सब्जेक्ट होता है उतना ही भी वर्ब होना चाहिए, तो द प्लेयर्स क्या है, पहला सब्जेक्ट है,
ठीक, तो वर्ब क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो वर्ब है यहाँ पे आर दिया हुआ है। द प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आर टीम आर, तो द प्लेयर्स के लिए यहाँ पे ये वर्ब हो गया। ठीक, हो गया। चलिए दूसरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वी था, वी के लिए यहाँ पे हैव है दूसरा सब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे द प्लेयर्स और वी दो सब्जेक्ट, और यहाँ पे आर और हैव दो वर्ब। अगर दोनों कंप्लीट हो जाए, अगर दोनों कंप्लीट हो जाए तो अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, और मैंने बताया था कि हुम के लिए कोई वर्ब नहीं आता है ना। हु क्या होता है? वर्ब लेता है, लेकिन हुम क्या होता है? हुम कोई वर्ब नहीं लेता है, तो ठीक है ना, यहाँ पे हुम के लिए कोई ऐसा वर्ब की जरूरत था ही नहीं, तो यहाँ पे हुम सही है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम, द गेस्ट हुम वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, 21 में सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझिए एरर कहाँ पे है 21 में। ठीक, तो यहाँ पे हुम नहीं होकर क्या होगा, यहाँ पे तो सही था ये, हुम सही था, लेकिन यहाँ पे हुम नहीं होकर बल्कि क्या होगा, यहाँ पे हु होगा। ठीक, द गेस्ट के लिए यहाँ पे तो आर हो गया, एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब हो गया। वी के लिए सब्जेक्ट ये था, तो वर्ब का काम ये कर गया। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हैव कम के लिए तो कोई तो होना चाहिए था ना, ये हैव कम, यहाँ पे हैव जो वर्ब है, इसके लिए कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए था ना, इसके लिए कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके लिए जो सब्जेक्ट होता हु होता, चूँकि हुम तो अपने साथ कोई सब वर्ब नहीं लेता है ना, हुम अपने साथ वर्ब नहीं लेता, लेकिन हु तो वर्ब लेगा ना, तो यहाँ पे हुम जो होता ये गलत होता। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ब लेता नहीं है, ये वर्ब लेता नहीं है, हु वर्ब लेता है। तो देखिए द गेस्ट के लिए यहाँ पे तो आर, फिर से समझिएगा, द गेस्ट के लिए द गेस्ट क्या सब्जेक्ट है, आर क्या है यहाँ पे वर्ब है। एक तो हो गया सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन, ठीक है, वी यहाँ पे एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब था दूसरा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कॉम्बिनेशन, लेकिन हैव जो है हैव कम, इसका कहाँ गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लाना होगा, और सब्जेक्ट क्या होगा, हु होगा। ठीक, क्लियर? हु सब्जेक्ट, क्योंकि ये अगर वर्ब है तो इसका कोई सब्जेक्ट होगा, वो होगा हु। क्लियर? चलिए आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में क्या है? देर इज None who can help you in this crucial stage for your career। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो 22 में जो होगा हु के बदले यहाँ पे क्या होगा, दैट का होगा यूज़, है ना, हु के बदले क्या होगा, दैट का यूज़ होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया। देखिए ऑल हो गया, नन, नथिंग, ओनली, तो यहाँ पहले नोट आप कर लीजिए, ऑल, नन, ओनली, नथिंग। ठीक, तो अगर ये ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, ऑल, नन, ओनली, नथिंग, ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा के रूप में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में क्या होगा, यहाँ पे दैट का यूज होगा। ठीक, तो नथिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑल, नन, ओनली, नथिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नन है ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था इस वाले रूल में कि नन होना चाहिए, तो नन के साथ क्या होगा, यहाँ पे हु नहीं होगा बल्कि दैट होगा। क्लियर? तो इसी कारण देर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल स्टेज फॉर योर करियर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। देखिए द सेम की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ऑल, नन, नथिंग, ओनली जो है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, या द सेम के बाद, तो द सेम के बाद भी क्या होगा यहाँ पे 23 में, ध्यान रखिएगा, द सेम के बाद भी जो क्या होगा, यहाँ पे दैट का यूज़ होगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑल, नन, नथिंग, ओनली प्लस दैट होता है, तो उसी तरह द सेम के साथ भी क्या होगा, यहाँ पे दैट हो गया, तो विच यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे दैट का यूज़ करना होगा आपको। क्लियर? जहाँ पे ऐसा वर्ड दिखे, ऑल, मैं फिर से लिख देता, ऑल, नन, ओनली, फिर क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नथिंग, जितने भी वर्ड देखें, ऑल, नन, ओनली, नथिंग,
द सेम, इनके साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं, हुम एवर कम्स लेट विल नॉट बी अलाउड टू मेक हिज प्रेजेंस इन द रजिस्टर। 24 में क्या गलती होगा, यहाँ पे हुम एवर नहीं होगा, है ना, हुम एवर इसलिए नहीं होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे हु एवर होगा, क्योंकि हुम जो है वर्ब नहीं लेता है, हुम क्या करता है, वर्ब नहीं लेता है, हु लेता है वर्ब अपने साथ, हु क्या लेता है, अपने साथ वर्ब लेता है, तो हु अगर वर्ब लेता है तो यहाँ पे हुम एवर नहीं होगा बल्कि हु एवर होगा, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और इस वीडियो का ये पार्ट वन होगा, पार्ट टू में और भी क्वेश्चन होंगे, 25 और क्वेश्चन है जो कि मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये है, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ अ डेज, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब फिर से सेम रूल, द ओनली, ओनली आया ना, ओनली के साथ मैंने क्या बताया था कि अगर ओनली रहे तो हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरह, यहाँ पे विच गलत होगा बल्कि यहाँ पे दैट होगा। तो गाइज कैसे लगी वीडियो।